बगुदा थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात हरिहर धाम के पास से पिकअप वैन में लदी भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त कर दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को दोनों को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बलजीत सोनी व शंकर स्वर्णकार की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार दोनों तस्कर बोकारो जिले के जरीडीह के रहने वाले हैं। इसकी जानकारी शुक्रवार को बगुदा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वैन में अवैध शराब को हजारीबाग की ओर से बगोदर के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर हरिहर धाम के पास पुलिस बल के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया। इसी दौरान एक पिकअप वैन को आते देखा गया। वहां पर तैनात पुलिस बल को देखकर चालक पिकअप वैन को घुमाकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस बल ने उस पिकअप वैन को पकड़ लिया, जिसमें से 34 पेटी रॉयल प्लेयर्स ब्रांड के 1008 बोतल अवैध शराब बरामद किया गया है, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर SI संतोष दंगी, ASI जितेंद्र राम आदि मौजूद थे। 7-7 को गुप्त सूचना मिला था कि हजारीबाग की तरफ से एक पिकअप, व्हाइट रंग की पिकअप, जिसमें अवैध शराब लोड है, लोड होके इस तरफ जो गाड़ी है आपका बगोदर की तरफ आ रही है, जिसके आधार पे वाहन चेकिंग लगाई गई और हजारीबाग रोड में आपका एक पिकअप आते, संदिग्ध पिकअप आते दिखा गया, जिसको जैसे पिकअप आ रही थी उसका ड्राइवर गाड़ी घुमा करके भागने लगा, जिसमें वहाँ की पार्टी के द्वारा, पुलिस पार्टी के द्वारा ड्राइवर को और गाड़ी को पकड़ा गया और गाड़ी को जांच की गई तो उसमें करीब आपके रॉयल प्लेयर की शराब, रॉयल प्लेयर की अंग्रेजी शराब, उसमें करीब करीब आपका 8 पेटी हाफ की कुल 624 बोतल हैं और क्वार्टर की 384 बोतल्स हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया। इसमें दो व्यक्ति पकड़ाए, जिसमें एक ड्राइवर और एक चालक, दोनों का नाम, एक का नाम बलजीत सोनी और एक का नाम शंकर स्वर्णकार, दोनों जरीडी बोकारो के रहने वाले हैं, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है।